हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईसी इंजन का पहला टॉपिक बेसिक एंड एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ये इसका 14 पार्ट है। पहले के 3 पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लेना। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वर्किंग ऑफ द आइडियल ऑटो साइकिल ऑन पीवी स्केल। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है 25/1/2018 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑटो साइकिल का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। पीवी डायग्राम मैंने आपको सभी जितने भी साइकिल हमने पढ़े हैं उनका पीवी डायग्राम मैंने आपको बताया है। यदि पिछले वीडियो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से देखे हैं तो आप इसका आंसर 2 सेकेंड में दे सकते हैं। तो हम सभी के सभी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो हीट एडिशन जो हो रहा है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा साइकिल है? ये आपका हो जाएगा डीजल साइकिल। डीजल साइकिल, और यहाँ पे तो इसको तो कुछ है ही नहीं। बी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले कंप्रेशन हो रहा है, फिर हीट एडिशन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे भी हो रहा है और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे भी हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? आपका ड्यूल साइकिल हो जाएगा। और यदि हम फोर्थ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, कंप्रेशन, फिर हीट एडिशन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, फिर एक्सपांसन और फिर हीट रिजेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑटो साइकिल के अंदर जो हीट एडिशन होता है और हीट रिजेक्शन दोनों कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच साइकिल हैज़ हीट एडिशन प्रोसेस कैरिड एट बोथ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? हीट एडिशन जो है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर भी है और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर भी है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने इस ऑप्शन में देखा था। यहाँ पर देखिए, 1 से 2 क्या है? कंप्रेशन है, लेकिन 2 से 3 और 3 से 4 दोनों में ही हीट एडिशन है। पहला है हीट एडिशन जो है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है और दूसरा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। इसका मतलब ये कौन सा साइकिल हो जाएगा? ड्यूल साइकिल। ड्यूल साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दोनों पे होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ड्यूल साइकिल। कार्नोट में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन आइसोथर्मल में होता है, डीजल में कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और ऑटो में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन स्पार्क इग्निशन, यानी ऐसा इंजन में हम कौन सा साइकिल यूज़ करते हैं? कार्नोट, डीजल, ड्यूल या फिर ऑटो साइकिल। तो आप सभी को पता है स्पार्क इग्निशन यानी कि पेट्रोल इंजन, और पेट्रोल इंजन में हम ऑटो साइकिल यूज़ करते हैं। और डीजल साइकिल का नाम है CI इंजन, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन। वहाँ पे हम स्पार्क प्लग यूज़ नहीं करते। जो हीट एडिशन होता है वो होता है आपके कंप्रेस्ड गैस के टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन साइकिल द हीट इज रिजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम या फिर कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। देखिए, कहने को तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे साइकिल है जहाँ पे हीट रिजेक्शन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे भी होता है, जैसे कि कार्नोट साइकिल। कुछ साइकिल ऐसे हैं जिन पे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे भी हीट रिजेक्शन होता है, जैसे एटकिंसन साइकिल है। लेकिन जनरली हम कौन कौन से साइकिल यूज़ करते हैं? ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल। ड्यूल साइकिल ये 3 हम जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑटो साइकिल पे पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल पे डीजल साइकिल, और ड्यूल में भी आजकल की जो हाई स्पीड बाइक्स होती हैं या कार होती हैं उनमें हम ड्यूल साइकिल यूज़ करते हैं। तो इनमें जो हीट रिजेक्शन होता है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट सी हो जाएगा, यानी कि अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल साइकिल इफ़ द कंप्रेशन रेशियो इज फिक्स्ड एंड कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज्ड। तो सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो थर्मल एफिशिएंसी है डीजल साइकिल की, उसका फॉर्मूला मैंने आपको कई बार डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया है, 1-1/R^γ-1। ये फॉर्मूला होता है आपके ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी। R यहाँ पे क्या है? कंप्रेशन रेशियो, और गामा है एडियाबेटिक इंडेक्स। लेकिन डीजल में कुछ एक्स्ट्रा होता है, ये है आपका कट ऑफ। तो कट ऑफ ρ^γ-1/γ-ρ-1, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि कंप्रेशन रेशियो जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि R की वैल्यू जो है ये फिक्स है। यहाँ पे हमको क्या करना है? कट ऑफ रेशियो इंक्रीज़ करना है। तो यदि रो की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, यहाँ नीचे भी है रो लेकिन ऊपर है, इसके पावर में गामा है, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो यदि कट ऑफ रेशियो इंक्रीज़ होगा तो ये वैल्यू जो है माइनस में, 1- वाली वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब टोटल में से ज़्यादा घटेगा तो एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डिनोटेड पाथ इज फॉलोड बाय द ऑटो साइकिल इन बिलो पीवी डायग्राम। तो यहाँ पे आपको ऑटो साइकिल के बारे में बताना है। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं 2018 के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने जनरली देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। यदि आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको फील होगा कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम बताना है। तो हम देखते हैं, 1 से 2 हो जाएगा आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 to 4 जो है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है, क्योंकि ऑटो साइकिल में हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन देखते हैं, फिर 4 to 7 एक्सपांसन और 7 to 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 to 4 7 1, 1 to 4 7 1, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको पूछ ले डीजल साइकिल के लिए, तो 1 से 2, 2 से 6 और 6 से 7 और 7 से 1। तो यहाँ पे हीट एडिशन जो है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके डीजल के लिए। और यदि ड्यूल के लिए पूछ ले, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 7 और 7 से 1, ये आपका ड्यूल साइकिल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन ऑटो साइकिल व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इफ द कंप्रेशन रेशियो इज 5 फॉर द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑटो साइकिल के लिए, 1 - 1/r^(γ-1)। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी यानी कि हम एयर यूज़ कर रहे हैं, तो 1 - 1/r की वैल्यू आपको 5 दे दी, 5 की पावर हो जाएगी 1.4, क्योंकि गामा जो है एयर के लिए 1.4 होता है, -1 हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 0.4 हो जाएगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है बिना कैलकुलेटर इनका आंसर हम निकाल नहीं सकते, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको अप्रोक्स वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 47.46% हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 0.4746 आएगी, जो कि 47.46% हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत ही नज़दीक दे रखे हैं, तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर बिना कैलकुलेटर के देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इन एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल पी इज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो एंड गामा इज द एडियाबेटिक इंडेक्स एंड आर इज द कंप्रेशन रेशियो, व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो यहाँ पे आपको डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 1/r^γ-1, ρ^γ-1/γ-ρ-1। तो ये फॉर्मूला आपके होता है। तो यदि आप यहाँ पे मैच करोगे तो कोई भी फॉर्मूला मैच नहीं होगा। देखिए आप इतना सा चेक करोगे, r^γ-1 तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं जिनका आंसर गलत होता है, और SSC भी कई बार आंसर गलत दे देती है, इसलिए आपको इतना कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, SSC गलती करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्राफ ऑफ रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड कंप्रेशन रेशियो। तो अभी हमने ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था, 1 - 1/r^γ-1। जैसे जैसे आर बढ़ता है एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन ये रिलेशन कैसा होता है, तो आपने देखा होगा यदि मैं एफिशिएंसी और कंप्रेशन रेशियो के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो यदि हमारा कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि 2 to 3 इतना है, तो एफिशिएंसी बहुत ही कम होगी। इनिशियली जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही हमारा पीक पॉइंट आता है यहाँ पे, जैसे कि 8 से 10 हम जनरली रखते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, फिर कॉन्स्टेंट हो जाती है और एक बहुत ज़्यादा लिमिट के बाद में डिक्रीज होती है, लेकिन उस उतना हम कंप्रेशन रेशियो रखते नहीं हैं, तो हमारा ग्राफ जो है वो डी ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटो साइकिल इज़ द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ। तो ऑटो साइकिल में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटो साइकिल हम पेट्रोल इंजन में यूज़ करते हैं, जिसका नाम है स्पार्क इग्निशन इंजन, क्योंकि वहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ पे डीजल का पूछता तो वहाँ पर आंसर हो जाता CI इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन सुपर चार्जर। तो सुपर चार्जर में किसको कंप्रेस्ड करते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सुपर चार्जर होता क्या है। देखिए जनरली हम सुपर चार्जर जो है वो डीजल इंजन में यूज़ करते हैं, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इसका रीज़न भी बता दूंगा मैं। डीजल इंजन में जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं एक सुपर चार्जर यानी कि एक कंप्रेसर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है एग्जॉस्ट गैसेस को हम वापस
इनिशियली हम उसको ले लेते हैं, यानी कि सक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा होता है, जिससे उसकी और डेंसिटी भी ये इंक्रीज़ कर देता है कंप्रेशन की वजह से, तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए हम डीजल साइकिल में सुपर चार्जर यूज़ करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर कंप्रेस्ड हो जाएगी, तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि ऑटो साइकिल में क्यों यूज़ नहीं करते हैं। ऑटो साइकिल में आपको पता है हम कंप्रेशन रेशियो 8 से 10 रखते हैं, इसका रीज़न क्या है, इससे ज़्यादा करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और यदि टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ पे नोकिंग के चांस रहते हैं। इसलिए यदि हम सुपर चार्जर वहाँ पे यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर उसका ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, और उस टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे नोकिंग हो जाएगी। इसलिए हम ऑटो साइकिल में यूज़ नहीं करते सुपर चार्जर का, सिर्फ डीजल साइकिल में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए डीजल साइकिल द हीट इज़ एडेड। तो आप सभी को पता है डीजल साइकिल में हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप इतना जल्दी कर दोगे एग्जाम में, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा बार डिस्कस कर लिया है। फॉर ए गिवन प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 1 कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसेंट्रॉपिक एंड 2 आइसोकोरिक प्रोसेस ऑन ए पीवी स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव प्रोसेस इन टी एस स्केल। यानी कि ये आपको ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम दिया है, उसको आपको टी एस डायग्राम में बताना है। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस समझने के लिए, आपको यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता कि करना क्या, तो यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि हम पहला देखेंगे तो यहाँ पे पहले में देखिए आपने जो साइन देखा होगा, देखिए इसमें क्या है, क्लॉकवाइज है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है तो उनका जो पीवी डायग्राम होता है वो क्लॉकवाइज होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। और फोर्थ देखोगे तो ये किसका होता है, ये कार्नोट का होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ दो ऑप्शन रहेंगे, बी और सी। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे 1 से 2 क्या है, हीट एडिशन है, और जब हीट एडिशन होगा 1 से 2 तो वहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ एंट्रोपी कॉन्स्टेंट किस में रहती है, एडियाबेटिक प्रोसेस में, क्योंकि वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है, वहाँ पे हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन 0 होता है, तो वहाँ पे एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो 1 से 2 जो है किस में एंट्रोपी बढ़ रही है, देखिए 1 से 2 इसमें भी बढ़ रही है और 1 से 2 इसमें भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन हीट जब एडिशन करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो ये बी अपने आप गलत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिनोटेड पाथ ऑफ द फॉलोइंग बाय द ड्यूल साइकिल। तो यहाँ पे आपको ड्यूल साइकिल का बताना है। अभी हमने डिस्कस किया था 1 से 2, 2 से 3 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 से 5 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, और यहाँ से 7 से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, 5, 7, 1, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको मुझे क्वेश्चन भेजना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे आप मुझे कोई भी पेपर सेंड कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें, इतना आपको काम करना है। मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आपका इतना फ़र्ज बनता है कि कम से कम वीडियो को शेयर करें, और शेयर उन्हीं लोगों पर करें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फालतू लोगों को शेयर करने से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपने कोई जो ग्रुप होता है, जैसे दोस्तों का ग्रुप होता है, वहाँ पे शेयर नहीं करना, शेयर सिर्फ उन्हीं लोगों को करना जो आपके दोस्त एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं, और आप खुद पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।